नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल खत्री डेयरी फार्मर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में एक गिर गाय है, गिर क्रॉस गाय है, और किशनगढ़ और अजमेर जो राजस्थान में जो स्टेट है उस तरफ ये आपको रेंडी नस्ल के नाम से भी जानी जाती है। और वैसे काफ़ी अच्छी गाय होती है, दुधारू नस्ल की है और काफ़ी अच्छी, अब देख पा रहे अटर क्वालिटी है जो है, ये सेकेंड लैक्टेशन की इसकी वीडियो है। और अभी ये तीसरी बार अभी गया बिन है ब्याने में, इसका कुछ समय बाकी है, एक से डेढ़ महीना इसका भी बाकी है। और ये देख सकते हैं काफ़ी शांत स्वभाव की गाय है, अभी ड्राई चल रही है और काफ़ी शांत स्वभाव की ये देख सकते हैं गाय है। तीसरी बार अभी ब्याएगी और काफ़ी अच्छी कदकाठी के साथ है, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं बिल्कुल शांत स्वभाव की गाय है। और गलकम्बल नीचे नाप भी, और हम्प जो साइज है काफ़ी शानदार हम्प साइज के साथ है। और जो ये सरगी सा जितनी है, सराफत जो आप देख पा रहे होंगे, बच्चा किसी प्रकार से ऊपर नीचे से अगर हाथ वाथ फेरता है गाय के, बच्चा अगर कोई नीचे से भी निकल जाता है तो फिर भी किसी प्रकार के लात मारने का, टक्कर मारने का स्वभाव इस गाय में नहीं है। काफ़ी शांत स्वभाव की गाय है। और साबरमती गौशाला के बुल S33 से ये प्रेग्नेंट भाई साहब ने बताया है, साहिवाल के सीमन से, क्योंकि जब ये हीट पर थी तो भाई ने बताया कि उस टाइम पे गिर का सीमन उपलब्ध नहीं था, तो साहिवाल सीमन से ये प्रेग्नेंट है। और बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये जो गांव है धांधू गांव है, जिला चुरू राजस्थान में, सेल के लिए उपलब्ध है। आज़ाद सिंह राठौड़ भाई सबका नाम है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इनसे व्हाट्सअप के थ्रू डायरेक्ट कॉल करके आप बात कर सकते हैं। काफ़ी शांत स्वभाव की गाय है, काफ़ी ठंडी देख सकते हैं, सरल शांत सरल स्वभाव इसका देखने को मिल रहा है। और अभी ड्राई है, लेकिन जब अपनी ब्यात पर आती है तो काफ़ी अच्छी लेवटी जो बनाती है, काफ़ी अच्छा इसका मिल्क रिकॉर्ड भाई साहब बता रहे, सेकंड टाइम में इसने 14 लीटर मिल्क कैपेसिटी इसकी रही है। और अभी भी देख सकते हैं मुठिया थन है और काफ़ी अच्छी अटर की क्वालिटी, इस टाइम पे ड्राई है फिर भी ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी मुठिया थन है। और अभी ये तीसरी बार भी आएगी, और भाई ने बताया कि अगर कोई लेडीज या कोई जेंट्स कोई भी अगर दूध निकालता है तो उसमें किसी प्रकार का इसमें लात उठाने का या किसी प्रकार का भी दुष्प्रभाव इस गाय में नहीं है, कोई भी मिल्क निकाल सकता है इस गाय का। तो जो भी भाई लेने का इच्छुक हो संपर्क कर सकता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान पशुपालक भाइयों तक ये वीडियो पहुँचे। और जो भी पशुपालक भाई लेने का इच्छुक हो संपर्क कर सकता है भाई साहब से, नीचे इनका नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट कॉल करके आप बात कर सकते हैं। और देख सकते काफ़ी शांत स्वभाव की गाय है। तो जो भी भाई लेने का इच्छुक होगा जरूर संपर्क करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।